आपको स्क्रीन पे मोड़ा बनता नज़र आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों, कई गांवों, कई कस्बों में फैले हुनर का एक और नमूना है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में हैं। ज़िले में 3 विधानसभाएं हैं, धौलाना, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर। ये गढ़मुक्तेश्वर इलाका है और ये एरिया अपना मोढ़ा, कुर्सी और बॉक्सेस इस सामग्री से बनाने के लिए मशहूर है। गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ क्षेत्र भी है और कई यहाँ पे तीर्थयात्री भी आते हैं। तो कभी भी आप जब इस सड़क से गुजरेंगे गजरौला या आगे अमरोहा मुरादाबाद की तरफ, NH 24 है गजरौला अमरोहा तरफ या मुरादाबाद तरफ कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे सड़क पे गंगा जी के किनारे पुल पे, पुल के पहले दोनों तरफ आपको बहुत सारी दुकानें मिलती हैं लाइन से पुल के इधर भी उधर भी, जहाँ पे मोड़े बनते हैं। तो हमारी ये उत्सुकता हुई कि भाई बिकते तो सड़क पे हैं, मैंने बनते बोल दिया, बनते कहाँ हैं, तो अंदर गढ़मुक्तेश्वर कस्बे में आ गए जहाँ पे ये बनते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपको निर्माण के पीछे देखिए, जरा आयुष जी बैठे हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट है पीछे बन रहा है उनके, वो भी प्रोडक्ट है। और बाएं हाथ पे एक भाई साहब बॉक्स बना रहे हैं, वो लॉन्ड्री बैग की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके के कई हुनर दिख रहे हैं। सामने दुकान है, वहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे मतलब सब आपको 50 मीटर की परिधि में दिख रहा है। ये लदाई का काम भी हो रहा है। और ये क्या है? गमला स्टैंड है, इसमें गमला फिट कर दो अपना कहीं भी बेडरूम में या कहीं भी आप। ये गमला स्टैंड? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम लोकेश है। लोकेश जी। अच्छा जी, लोकेश जी आप जरा बताएंगे पहले कि क्या क्या सामग्री लगती है इसको बनाने में? इसमें सबसे पहले तो ये सरकंडा लगता है। सरकंडा? हाँ जी, हमारे सरकंडा। आप कहाँ स्टोर करके? गंगा जी के खादर में पैदा होता है ये। गंगा जी के खादर में, मतलब पास में ही? हाँ जी, नवंबर से और जी मार्च तक ये आता है। ये सरकंडा है? सरकंडा क्या हिसाब मिलता है? ये गड्डियाँ आती है करीबन 50 सेंटों की, 60 सेंटों की, तो उसके हिसाब से मिलता है। 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए और फिर उस पे ये घास लगती है। ये ये भी इसी में पैदा होती है, इसी के ऊपर होती है, इसके ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? ये भी पूला बोलते हैं। पूला बोलते हैं? पूला जी। वो सरकंडा है, ये सरकंडा है, ये पूला है जी जी जी। और नाइलोन, यही तीन चीजें इस्तेमाल? नाइलोन बांध होता है इसी में एक बांध होता है पैदा। बान? हाँ, वो मैं भी दिखाता हूँ। दिखाइए, ये जो बन रहा है ये बॉक्स जो बन रहा है। अच्छा, ये जो सुतली है ये वाली रस्सी बान ये तैयार है, ये कंप्लीट मोड़ा है, छोटा लेडीज के लिए ये इस तरह का आती है ये बनके। ये बान है? हाँ, ये भी हमारे, ये तो हमारे गांव में जो रस्सी इस्तेमाल होती थी यही इस्तेमाल होती थी पहले। हाँ जी, तब इतना प्लास्टिक नाइलोन तो था नहीं। हाँ जी, ये तो अब आ गया फैंसी आइटम, ये चीज कम पैदावार होने लगी तो तब से ये नाइलोन चालू हुआ है। अच्छा जी, तो ये कब से कहाँ पे, यहाँ पे लोकेश जी कितने बरसों से ये काम चल रहा है इस कस्बे में? मेरे नजर में जी 250-300 साल से ये काम चल रहा है। आपके पिताजी वगैरह भी यही? हाँ जी, हमारे दादा परदादा तक भी यही काम करते थे। अच्छा, और बच्चों ने काम सीखा आपके? हाँ, बच्चे तो जब पैदा इस काम में हुए हैं तो घर पे सीख ही जाते हैं, घर पे काम होता है। तो हमारे यहाँ 10 साल के बच्चे से लेके और जी 70-80 साल के बुढ़े तक सब करते हैं इस काम को जी। तो नाइलोन के आने से वैरायटी आई, आराम हुआ या पीस खराब हुआ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस ये है जो माल की शॉर्ट पड़ती थी उसकी दिक्कत खत्म हो गई। इसकी दिक्कत खत्म? हाँ। लेकिन अच्छा तो यही लगता है? अच्छा ये लगता है, मजबूती भी इसमें ज्यादा है, टिकाऊ भी है। ये कितने पैसे का है? अच्छा, ये हमारे यहाँ से जाता है जी 500 रुपए का जोड़ा। 500 रुपए का जोड़ा जी, इसमें लगभग, जेरी जी ये लेके चलना है, इसमें लगभग 300 रुपए की लागत आ जाती है हमारी। 300 की लागत आ जाती है? और बनाने में कितना समय लगता है एक पूरा बनाने में? 2 पीस बनते हैं एक दिन में, दो एक कारीगर से। अच्छा, तो फिर तो 400 का मार्जिन तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। बाजार में जाके ये दिल्ली में कितने का बिकता होगा? दिल्ली में तो देखो जी, रोड पे आदमी बैठा है, कितने भी पैसे मांग लो फिर भी मोटा माटी कम से कम इसको 800-700 रुपए से कम नहीं देगा वो। 700-800 एक का? नहीं, जोड़े जोड़े का। अच्छा, 500 जोड़ा है आप बोल रहे हो कि आप 500 में बेचते हो, बढ़ते बढ़ते 800-900 तक पहुँच जाए। हाँ जी। अच्छा जी, तो एक तो ये मोड़ा हो गया, इसको कैसे बनाते हैं जरा फ्रेम दिखाइए। लोहे का फ्रेम होता है ये। पहले फ्रेम बनवाते हो आप लोग वेल्डिंग करवा के? अलग अलग डिजाइन का बनते हैं यहाँ पर दुकानों, तो जब ये काम होता है तो दुकानदार खुद ही बना के रखते हैं ना, उनसे खरीद के लाते हैं। और क्या क्या आइटम बनते हैं मोड़े के अलावा? मोड़े के अलावा देखो ये
टेबल बनती है ये इस तरह की टेबल है ये। अच्छा एक इससे बड़ी टेबल है सर ये इधर। ये बड़ी टेबल है। मत निकालिए यहीं से दिख रही है। और जी जानी जी और ये देखो पीछे वो आप उधर ये रैक है। अरे वाह ये मैं ले लेता हूँ मेरी किताबें आ जाएंगी इसमें। लेके आओ भैया भीतर लाओ जरा। अरे चाचा इसमें किताबें आ जाएंगी। कितने पैसे की है ये? ये हमारे पास से 1200 रुपये का जाता है ये पीस। 1200 एक पीस जाता है 1200 रुपये। अरे भाई उनसे पता करो अमित वाली गाड़ी में गौरव जी जगह हो तो हम एक ये भी ले लें किताबों की। जगह की कोई बात नहीं, जगह तो हम उसको ऊपर बांध देंगे। आप यहाँ से लेकर ऑल इंडिया गाड़ी में ऊपर बांधोगे? हाँ जी ऑल इंडिया। पूछो अगर उनकी गाड़ी हो तो ये ले जाएं। निकल गए। ये क्या है? ये भी बैठने के लिए है। मोड़ा ये वाला है कंप्लीट। ये वाला अच्छा ये जो बना रहे हैं ये कंप्लीट ऐसा है। ये कितने पैसे का है? ये 600 रुपए का जोड़ा जाता है जी हमारे यहाँ से। ये महंगा क्यों है इससे? ये तो ज्यादा अच्छा माल है। आप कह रहे थे ये ज्यादा मजबूत है। ये इसमें थोड़ा छोटा है और ये जो है सस्ता मिलता है हमें थोड़ा सा। इससे लाइलोन हमें 150 रुपए किलो का मिलता है। इसमें लोहे का फ्रेम लगा हुआ है। ये मजबूत ज्यादा है ये कह रहे हैं? मजबूत ये ज्यादा है इसमें तो ये है। ये मजबूत ज्यादा है। ये इको फ्रेंडली ज्यादा है। ये नेचुरल ज्यादा है पर महंगा ये ज्यादा है क्योंकि लागत ज्यादा है। डिमांड किसकी ज्यादा है? डिमांड अधिकतर इसकी रहती है। क्या वजह है इसकी? इसकी ये फैंसी है। आज के हर घर में पत्थर है कहीं टैल लगी हुई है तो वो ये नहीं चाहते यार। ये वो ये नहीं चाहते। कैसे लोग हैं बताइए। ये फैंसी आइटम है इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती है। ये फैंसी है? ये फैंसी है। हमको तो ऐसे ज्यादा पसंद आते हैं। नेचुरल है ये तो। ये नेचुरल की वजह से कहते जो है ये काफी लॉन्ग टर्म टाइम चलता है। कहते क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र। कहते आप भी यही काम करते हैं? हाँ ये मेरा दुकान का काम है इसका जी। हाँ ये बताइए कि ये उन्होंने बताया गंगा की खादर से तो आसपास जितना भी ये बनता होगा ये सब तो यहीं खप जाता होगा माल? ये सब यहीं खप जाता है जी। और भी कहीं से सप्लाई होती है कच्चे माल की? ये कच्चे माल की सप्लाई यहीं पे होती है ज्यादातर। कहने जो माइक पे बोलिए। बैठिए आइए बैठ जाइए। ये कच्चा माल कहते हैं हमारे आसपास के गांवों से आता है खादर के किनारे से। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि यहाँ मोड़ा बनाने का काम इतना ज्यादा है तो बाहर से भी कहीं सरकंडा मंगवाते हैं? सरकंडा बाहर से आता है जी। हम कहाँ से? ये तो गंगा जी के खादर से गांव है। उन गांवों से के लोग लगाते हैं। संडे के दिन यहाँ बाजार लगता है इस चीज का। सुबह 5 बजे से और 10 बजे तक बाजार लगता है। ये आते हैं बिकने के लिए यहाँ पर। और एक जलालपुर गाँव है काफ़ी बड़ा गंगा जी किनारे पर ही है जिला बुलंदशहर में। वहाँ से आते हैं। एक बसई है बसई गांव वहाँ से आते हैं। काफ़ी दूर से आते हैं। और जब ख़त्म हो जाता तो हम जमुना के जंगल से ही मंगाते हैं आगरे साइड से तक से। ये बताइए कि अभी पिछले कुछ बरस में ये काम मोड़े का घटा है बड़ा है क्या असर रहा है? तो बढ़ा है जी अब बढ़ा है। पहले तो ऐसी तरह बहुत कम हो काम जब ये केवल इसका था। जब से लाइलन आया है तब से काम बढ़ गया है इसका। विदेशों तक सप्लाई है इसकी। यहाँ विदेश की सप्लाई है? हाँ जी विदेश भी जाते हैं। कौन भेजते हैं आपके यहाँ कस्बे में? कुछ एक्सपोर्टर हैं? कैसे होता सिस्टम? एक्सपोर्टर हैं वो हमसे माल बनवाते हैं और जी सप्लाई करते हैं अपने। कुछ नई नई डिजाइन का भी डिमांड आता है सुभाष जी? हाँ जी नई नई इसका भी डिजाइन का भी कहना आता है। लेकिन इसमें एक चीज की कमी है जी कि हमारे मजदूरों को जो मजदूरी पूरी नहीं मिल पाती। कितनी मिलती है इनको? ये लगा लो कि सुबह से शाम तक 250-300 रुपए का इन्हें जो है एवरेज पड़ता है। पूरे दिन मेहनत करते हैं और जो है इससे हमारे समाज को कहना जो कारीगर काम करने वाले इनको दिक्कत आती है कहना जो। अच्छा एक सेकंड इस पर जो भी बोल रहे हैं माइक पे बोलिए बोलिए। हमें देखो वैसे तो काम ये विदेशों तक फैला हुआ है खूब डिमांड रहती है इसकी मगर हमें आज तक इसके कोई हमें कोई मजदूरी कोई खास पल्ले नहीं पड़ती। वही 200-250-300 रुपए ज़्यादा और ना ही हमारे कोई सरकार से कोई मदद मिल पाती है इस काम के लिए। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को यह है कि हमारे माल को जो है अच्छी उस पर स्टॉल पर लगवाए अच्छा दाम दिलवाए हमें कुछ हमारी आर्थिक मदद भी की जाए जैसे बुनकरों को या और किसी को सरकार प्रोत्साहन देती रहती है। मोड़ा बनाने वालों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है? नहीं फिलहाल तो कोई भी नहीं है कोई सुविधा ही नहीं है सरकार की तरफ से। अगर ये लाइलन का बना हुआ है अगर ये गाड़ी रोड पे माल भर के जा रही है पकड़ी गई तो इस पे GST टैक्स वगैरह और इस पे जोड़ इस पे GST टैक्स
जबकि ये सरकंडे पे कोई टैक्स नहीं है क्योंकि हथकरघा में आता है, सब हाथ से बना हुआ है, इसमें कोई मशीन का काम नहीं है, केवल ये नायलॉन है मशीन की बनी हुई, बाकी सब हाथ का बना हुआ है। पर वो नायलॉन तो एक इसका कोई नायलॉन का ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना, वो फाइनल ये तो बस सिर्फ साथ में काम आता है जी। तो कोई आपकी ऐसी एसोसिएशन वगैरह भी है मोड़ा बनाने वालों की जो सरकार से बात करती हो कुछ? नहीं जी नहीं, कोई अलग अलग व्यापारी संगठन होते हैं वैसे आप लोगों का कोई नहीं है? नहीं, सब अपने अपना काम करते हैं अपने अपने घर पे, संगठन नहीं है। हाँ, बड़े दुकानदारों से कॉन्टेक्ट रहते हैं, उन्हीं को माल देते हैं। दिल्ली के दुकानदार होते हैं और भी? नहीं, यहाँ के भी हैं, बाहर से भी आते हैं, हरियाणा राजस्थान पंजाब। अच्छा जी। काफी दूर से आते हैं। हाँ। यहाँ से गाड़ियाँ भर भर के जाती हैं डेली, यहाँ डेली दो चार गाड़ी डेली जाती है यहाँ सर। ये बताइए, ये तो काम की बात हो गई आपके रोजी रोटी जुड़े, बेटा थोड़ा बात कर ले। ये बताइए कि बाकी अब जैसे कुछ महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो चुनाव का क्या माहौल है गढ़मुक्तेश्वर में, कैसा काम किया सरकार ने? चुनाव में तो जी देखो जी, यहाँ तो मिली जुली हिसाब है, कुछ सही भी काम करा है, कुछ गलत भी करा है। मकान सही क्या किया, गलत क्या किया? मकान बनवा दिए गरीब आदमियों के, ये सही काम करा है। बाकी गलत ये है जी, गरीबों को GST वगैरह मिले ही, वो सब खत्म कर दी, उसमें वो क्या कहते हैं सब्सिडी वगैरह जो मिलती थी सिलेंडर वगैरह में, वो सब खत्म हो गई, तो गरीबों को मार ही है। कुछ के मकान बनवा दिए तो सबको तो परेशान कर दिया। नेता कोई ठीक लगता है आपको फिलहाल? तो हमारे यहाँ पर अभी तक कोई नेता नहीं, हमारे जो है इस टाइम जो है गढ़ के विकास के मामले में सिर्फ चेयरमैन हमारा सही है, जो हमारे गढ़ में जो थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। किस पार्टी का चेयरमैन? पार्टी बसपा से है जी ये, मगर दोबारा बने हैं ये काम की वजह से, जर्नल सीट पे जीते ये। तो आप कह रहे हो चेयरमैन ठीक है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? कोई सरकार से कोई सहायता ही नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं, अब क्या सोचें उनके बारे में। और ये अखिलेश यादव और मायावती, कोई किसी से भी कोई वो किसी नेता से उम्मीद नहीं है? सब अपने मेहनत से कमाना है बस। बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी, स्कूल जाते हैं। हाँ जी, जा रहे हैं स्कूल, जाते हैं अब भी जा रहे हैं। अस्पताल वगैरह जब जाना होता है तो प्राइवेट जाते हैं, सरकारी क्या करना पड़ता है? अधिकतर सरकारी में इलाज करवाते हैं। वहाँ पे ठीक से होता है इलाज? हाँ जी, जैसे भी है वो देते हैं वो, और जब नहीं बीजती है मजबूरी हो जाती है तब कहीं बाहर ले जाते हैं, मेरठ वगैरह, ज़्यादा सीरियस होने पे फिर वो कर्जा पानी लेके करना पड़ता है, जब सर पे पड़ जाती है तो। कोविड के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी नहीं, यहाँ हमारे इसी गढ़ में कोई दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी मौतें हुई अदर कास्ट में, बाकी हमारे मूड़ा उद्योग में इसमें कोई मौत नहीं हुई हमारे कोविड से। चलिए जी, कुछ यहाँ नौजवान खड़े हैं बात कर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय क्या करते हो? मोड़े बनाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। मोड़े भी बनाते हैं, पढ़ाई, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं यार, है पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने एमए बीएड किया है। घरेलू काम है पार्ट टाइम में जो कर लेते हैं, घरेलू काम है पार्ट टाइम में। हाँ, मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स से, बीएड भी किया है। एमए भी किया, बीएड भी की है, तो आगे क्या करने का इरादा है? आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ नौकरी के लिए। किस तरह की नौकरी? टीचर लाइन की। ये बताओ क्या नाम बताया? अमित। संजय कुमार। संजय, क्या गढ़मुक्तेश्वर के क्या मुद्दे हैं? गढ़मुक्तेश्वर के विकास के ऊपर मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, बताइए थोड़ा विस्तार से बताइए। विकास पे यही कि हमारे लोगों को अच्छी तरह से आर्थिक मदद नहीं मिलती। कैसी आर्थिक मदद चाहिए आपको? जैसे कि वित्त पोषण की है, लोन की है। वित्त पोषण और लोन जी। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मोड़ा बनाने का काम कर रहे हैं उनको लोन नहीं मिल पाता? तो ये जो तमाम सरकारी लोन की योजनाएं चल रही हैं वो इफेक्टिव नहीं है, जैसे मुद्रा योजना है या दूसरी योजनाएं हैं? मैंने भी बहुत ट्राई कराया था मुद्रा योजना के लिए, लेकिन मेरे को कोई सहायता नहीं मिल पाई। मैं बैंक में। विस्तार से बताइए क्या क्या हुआ बैंक में? बैंक में मुझे मना कर दिया, पहले तो मना ही कर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है बैंक में, बोले कि मुद्रा योजना है ही नहीं। कितने साल पहले गए थे आप बैंक? करीब 1.5 साल हो गया मुझे। कौन सी बैंक थी? भारतीय स्टेट बैंक गढ़मुक्तेश्वर। SBI गढ़मुक्तेश्वर के अधिकारियों ने संजय कुमार से कहा 1.5 बरस पहले इनके हिसाब से कि मुद्रा योजना जैसी कोई योजना ही नहीं है, फिर क्या हुआ? फिर मैंने समझाया कि मुद्रा लोन तो चल रहे हैं पर आप मना क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कह दिया कि आप डॉक्यूमेंट्स लाइए जब हम देखेंगे, और फिर मैंने ट्राई करा दोबारा तो उन्होंने मना ही कर दिया कि आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जबकि मेरा रिकॉर्ड सही है बैंक। क्या रिकॉर्ड उन्होंने आपका गलत बताया? वही लेन देन का, ट्रांजेक्शन का लेन देन का रिकॉर्ड आपका अच्छा नहीं है, इस वजह से उन्होंने मना किया। आपने बैंक से कोई लोन ले रखा था? लोन लिया था, मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई इंस्टॉल सभी इंस्टॉलमेंट जमा करी थी, अखिलेश यादव की सरकार में मिला था मुझे मुख्यमंत्री लोन योजना जो होती थी।
पूरा चुका दिया था? जी बिल्कुल, 30,000 का मुझे लोन मिला था, फिर मैं उसके बाद दोबारा ट्राई करने गया तो उन्होंने मना कर दिया था। तो एक समस्या आप कह रहे हो ये है कि कारीगरों को, कामगारों को लोन मिले, वित्त पोषण नहीं हो पाता। वित्त पोषण जी, और क्या मसला है? और ये है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में जाओ तो अच्छी सुविधाएं नहीं है, जैसे कि एक्सरे करवाने हो गरीब के लिए तो एक्सरे की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। और एक सेकंड, तुम लोग हमेशा ही इतनी शैतानी करते हो या खुराक चाहिए? हाँ, सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा नहीं है, यहाँ कोई अच्छी सुविधा नहीं है, कोई मशीन नहीं लगी हुई है, और जैसे एक्सरे करवाने जाओ तो वहाँ ठीक प्रकार से एक्सरे की सुविधा खराब ही है। सरकारी अस्पताल में एक्सरे नहीं होता है, क्या बोलते हैं? होते हैं कि पर मशीन खराब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अपनी सफाई दे देते हैं पूरी तरह से, और फिर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं हो पाती, कम से कम 500-600 में अल्ट्रासाउंड होता है, यहाँ पर पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। बस ये लोन की गड़बड़ है और स्वास्थ्य खराब है। टीका लगवाया? टीका मैंने नहीं लगवाया अभी। क्यों? मेरी अपनी वो है, इसलिए नहीं लगवाया। क्या है बताइए? कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए नहीं लगवा पाया। पर स्वस्थ तो सभी लोग हैं, जब तक बीमार नहीं होते तब तक सब स्वस्थ हैं। पूरा देश टीका लगवा रहा है, वैज्ञानिक टीका लगवा रहे हैं, फिर आपने क्यों नहीं लगवाया? अब मुझे बुखार होगा तो मैं बुखार की तो दवाई खाऊंगा। हाँ। तो मुझे अभी कोरोना हुआ नहीं था इसलिए मैंने कोरोना की टीका नहीं लगवाया। टीका तो प्रिवेंटिव होता है ना यार, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, जैसे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि जब पोलियो होगा तब ड्रॉप पिलाओगे, फिर तो ड्रॉप का कोई फायदा ही नहीं है। ड्रॉप पिलाई जाती है ताकि पोलियो ना हो, टीका लगाया जाता है ताकि आपकी रेजिस्टेंस बेटर हो कोरोना से। हैं? तो वैसे ही बेटर होती है, कठिन कार्य करते हैं मजदूर। नहीं 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 नहीं, ये भरम है आपका भाई साहब। बहुत सारे कठिन कार्य करने वाले मजदूरों को भी कोरोना हुआ है, उनकी मौत भी हुई है। कठिन कार्य का इससे बीमारी से संबंध नहीं है। लगवा लेंगे पर हमारे पास अभी कोई टाइम नहीं है, फिर हम ज्यादातर आदमी जिंदा रहेगा तभी सब चीजें करेगा ना, फिर किस चीज के लिए टाइम है अगर इसके लिए टाइम नहीं है? ये तो आपके तर्क, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपने लोन पे बोला मैंने गंभीरता से सुना, अस्पतालों की बदहाली पे बोला मैंने सुना, सब बात ठीक है आपकी, लेकिन ये तो कुतर्क है। किस चीज के लिए टाइम है फिर आपके पास 24 घंटे में, बताइए? अभी तो मैं पढ़ाई पर और अपने काम पर। क्या पढ़ाई कर रहे हो गुरु? तुमने टीका नहीं लगवाया, पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकी लोगों को समझाएं टीके के लिए। फिर यहाँ पर कोई सुविधा भी तो नहीं है कोई, अगर हम गरीब हैं, हमारे पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए ऑनलाइन करना पड़ता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऑन स्पॉट जाके सरकारी अस्पताल में जाके मौके पे जाके अपना आधार कार्ड ले जाके टीका लगवा सकते हो, मोबाइल नहीं है तब भी लगवा सकते हो। पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है सरकारी अस्पताल में। बिल्कुल सहमत, ये तो आप फिर आप बताइए, आपने किसी ने लगवाया टीका? आपने भी लगवाया? आपने लगवाया किसी ने टीका? आपने? हमने लगवाया। आपने लगवाया? कहाँ पे लगवाया आपने? यही अस्पताल में लगवाया। सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल। मोबाइल पे भर के गए थे या सीधे पहुँच गए थे? ना सीधे पहुँच गए जी। ये लो जी, संजय जी आपके आपके मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, आप चाहें तो चल सकते हैं सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे ऐसी कोई ऑन स्पॉट आप बता रहे हैं ऐसे? ऑन स्पॉट कह रहे हैं नहीं है, फिर आपने कैसे लगवाया? ना ऑन स्पॉट ही लगवाया जी। एक सेकंड, ये आपके मोहल्ले के हैं सुभाष जी, ये कह रहे हैं कि ऑन स्पॉट गए, इन्होंने टीका लगवाया। आपके एज वाला है तो हो सकता है उन्हें पहले वाला जो खुला था। इन्होंने एमए बीएड किया है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 18+ होंगे। कितनी एज है आपकी? मेरी 28 है। 28 साल एज है। नहीं नहीं, बुजुर्गों के लिए जब पहले खुला था, जब यंगस्टर्स के लिए नहीं खुला था तब ऑन स्पॉट हो रहा था, अभी भी ऑन स्पॉट हो रहा है। अच्छा, अभी थोड़ा मैं गया था अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है? यहाँ तो हुआ ही नहीं था, कभी नहीं हुआ। यहाँ तो ऑनलाइन ऑनलाइन कराओ वैक्सीन। आगे आइए। क्या नाम है आपका? हरीश। हरीश जी, आपने टीका लगवाया? जी। तो कहाँ लगवाया टीका? अस्पताल में। अस्पताल? तो मोबाइल पे बुक करके गए थे या सीधे पहुंचे थे? सीधे पहुंचे जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हुई करीब 45 साल। 45 साल जी। इनका भी टीका लगा है? है भाई संजय बाबू, ये मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने भी बड़े जिम्मेदार हैं, सब कह रहे हैं कि टीका लगा है, बिना मोबाइल के लगा है। सरकार की व्यवस्था में कई खामियां हैं, है ना, लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना कि हम टीका नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमारा शरीर मजबूत है, ये तो बहानेबाजी है। हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको दूसरों को समझाना चाहिए। हो सकता है कि मेरे जाने पर ना लग कराओ। यार एक बात बताओ, मान लो तुम राशन का तेल लेने जाते हो, ठीक है, या रेलवे का टिकट लेने जाते हो, एक बार नहीं मिलता दोबारा जाते हो ना, तो फिर टीके के लिए तो जाना पड़ेगा ना। जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं ऐसी, इसलिए नहीं जा पाया मैं। और जब जरूरत पड़ती है फिर? जब तो जाना पड़ेगा। जब तो जाना पड़ेगा तो टीका तो पहले लगना पड़ता है ना। कैसी बात कर रहे हो भाई आप, क्या करते हैं आप? मूलक काम करता हूँ। आप भी मूलक काम? क्या डिमांड है आपकी, सरकार ने कैसा काम किया है यहाँ पे?
सरकार की तो पता था नहीं, हमारा अपने काम से मतलब है, मोड़े बनाने। एक बात बताइए, जो सरकार चलती है लखनऊ में दिल्ली में, वो हमारे आपके नाम पे चलती है ना, हमारे आपके वोट से चलती है जी। तो अगर हम लोग मतलब नहीं रखेंगे तो फिर सरकार पे ध्यान कौन रखे, फिर सरकार हमारा काम कैसे करेगी अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे? सरकार की तरफ से तो काम सारे सही हो रहे हैं। क्या सही हो रहा है आप बताओ? स्वास्थ्य सेवा सही है, राशन की सुविधा सही है, और क्या चीज़ है? स्वास्थ्य सेवा आप कह रहे हैं सही है? हाँ जी। ये बता रहे हैं संजय कि अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है सरकारी? ज्यादा तो पता ना आज, टीका लगवाने गए, टीका उन्होंने लगवा दिया। कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, अभी जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी, पर्ची बनवा गया, 1 रुपए की तुरंत दवाई मिलेगी। और राशन मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा जी, नेता कौन सा ठीक लगता है आपको? कोई नेता ठीक लगता है? नेता वेता तो कोई ठीक ना, कोई ठीक ना। तो फिर वोट कैसे देते हैं, कैसे तय करते हैं? वोट तो कभी डालने का आया ही ना हुआ। कभी नहीं गए डालने? ना। 45 की उम्र तक कभी वोट ही डालने नहीं गए? ना प्रधानी, ना जिला पंचायती, ना विधायक, ना सांसदी? बस अपने मोहल्ले की वोट डालो, मेम्बरी की, मोहल्ले की मेम्बरी की वोट डालते हैं। नगर पंचायत है क्या? वार्ड की डालते हैं। बाकी वोट क्यों नहीं डालते हैं विधायक सांसद का? ना वजह बताइए। किसी को मैटर न रहता जी। हाँ क्या कह रहे? के कोई मिलने आता नहीं जी यहाँ पे, एक बार बनने के बाद में जो कोई मिलने नहीं आता, इसलिए। क्या नाम है आपका? दामिर। दामिर, दामिर क्या करते हो? दामिर पढ़ाई करो, स्टार से बताओ भैया, क्या पढ़ाई करते हो? 12th में हूँ। आगे क्या करने का इरादा है? आगे जी यू पुलिस की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी करनी। पुलिस क्यों? पुलिस बचपन से शौक है पुलिस का। कसरत करते हो, दौड़ लगाते हो? दौड़। बढ़िया, बताओ क्या कहना चाह रहे थे? या कोई नेता बनने के बाद आता नहीं है यहाँ देखने के लिए कि इंसान कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं, क्या हो रहा है यहाँ। कोई नेता नहीं आता, बनने के बाद अपने मजे लेते हैं बस। क्यों ऐसे नेता ऐसे बेपरवाह क्यों हो जाते हैं? पता नहीं जी क्यों बेपरवाह हो जाते हैं ऐसे। तो वो जब दोबारा वोट मांगने आते हैं तो जनता पूछती नहीं उनसे? पूछते हैं मगर चुप रहते हैं, जवाब देते नहीं है। आपका क्या नाम है भाई साहब? ओम प्रकाश। अरे अरे घबराइए मत, ये तो सब लोग ऐसे पीछे हट रहे हैं। क्या करते हैं ओम प्रकाश जी आप? हलवाई काम कर रहे हैं। लोहे का काम है यही? हलवाई का, हलवाई का, हलवाई का काम करते हैं। अरे वाह बढ़िया। तो क्या सरकार कैसा काम कर रही है, क्या डिमांड है सरकार से आपकी? कुछ है, कुछ चाहिए? हमें तो ऊपर वाले ने बता दिया, हमें किससे कुछ। बढ़िया आदमी है, ऊपर वाले ने बतेरा दिया। अरे जाओ मत, बात तो कर लो भाई। कुछ नहीं चाहिए सरकार से? कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। किसका माहौल दिख रहा है चुनाव में? जो भी आएगा अपने लिए करेगा, हमारे लिए कौन देखा? हम जो तो भी आएगा अपने लिए करेगा। और क्या, हमें कल भी पलटा चलाना था और आज भी पलटा चलाना, कल को भी पलटा चलाएंगे। हाँ। मेहनत से करके खाना है, मेहनत से करके खाएंगे। हाँ। कौन कौन किसको देख रहा? हाँ। कोई सा नेता नहीं आने का किसी कुछ देने को, वो तो वोट लेंगे, मांगते हैं वो देते नहीं है। गहरी बात कह दी, मांगते हैं देते नहीं है। ये चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है जी। क्या करते हैं रामचंद्र जी? मेरा तो काम है जी फेरी का। फेरी क्या क्या है आपके इसमें ठिलिया? मेरे पास साड़ी है, सूट है। दिखाइए जरा, आइए जरा देखा जाए, खरीदारी की जाए कुछ है। आयुष जी आपकी शादी की तैयारियों के सिलसिले में कुछ साड़ियाँ खरीदी जाएँ क्या? कहाँ से लेके आते हैं रामचंद्र जी ये माल? ये माल तो चांदनी चौक से लाते थे। चांदनी चौक से? फेरी कहाँ कहाँ लगाते हैं? फेरी यहीं लगाते हैं गाँव में ही। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? हमें हो गए 35 साल। 35 साल तो काम बढ़ा है, घटा है, कैसा चल रहा है? काम तो अभी बेरोजगारी हो गई। शांत रहो भाई थोड़ा। हाँ अभी बेरोजगारी हो गई जी, ज्यादा होगी बेरोजगारी। क्या वजह रही बेरोजगारी ज्यादा होने की? ये देखो लॉकडाउन चल रहा है जी, इसमें ज्यादा हाँ। लोग परेशान है, कमाई ही नहीं, घरों में रह गए अपने, उसमें ऐसा है जी। उसमें क्या बात है, ये चक्कर है, ये चक्कर है। अब चले मदद भी की सरकार ने? कोई मदद नहीं करी, कोई। अभी फ्री का राशन मिला, उसमें क्या हुआ है जिसका पूरा खर्चा है, तो बहुत बेरोजगारी चल रही है सर। कोई नेता ठीक लगता है आपको जो गरीबों का ख्याल रखता हो? हमारे यहाँ कोई नेता नहीं जो गरीबों का ध्यान रखे। जीत के, जीत के चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं। जीत के चले जाते हैं वापस नहीं? अभी ध्यान से ली गए MP साहब, जीत के चले गए, उन्होंने आज तक कोई भी नहीं देखा किधर को। ये गढ़मुक्तेश्वर सीट जो है दानेशली का जिक्र कर रहे हैं, अमरोहा लोकसभा में लगती है, जहाँ से बसपा के सांसद हैं दानेशली। यहाँ बसपा के सांसद है दानेशली। अच्छा आप जो हैं? आप हमारे मलिक कमल, भाजपा के विधायक कमल मलिक। विधायक जी हाँ, कमल मलिक। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपना काम करा रहे हैं ऐसे गाँव में, वो भी अभी अपने
किसका माहौल दिख रहा है चाचा चुनाव में यहाँ पे? अभी कोई नहीं दिख रहा जी, किसी का भी, किसी का नहीं। आपको कोई नेता पसंद है? हाँ, मैं तो देखो जी, जहाँ तक भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, क्या वजह है भाजपा के आने की, आपको क्या लगती है? भाजपा सत्ता है उनकी, इसलिए आएगी। सत्ता है इसलिए आएगी, तो सत्ता में तो कोई और भी था भाजपा के पहले, तो वो चले गए। काम कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया किया है जी? काम है, राशन आरा फ्री दे रहे हैं, और क्या जी। सारी शैतानी अभी कर लो, है कैमरा बंद करने के बाद बोल नहीं फूटेगा किसी का। सिलेंडर अब मैं कितने का बिक रहा है? 900 का सिलेंडर है। भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, सुनिए तो, बढ़िया काम कर रही है भाजपा। मैं आपकी बात सब इस पे सुनूंगा, आप दो मिनट खड़े रहो, इनकी बात पूरी हो जान दो। अरे इस पे बोलिएगा, इस सारी बढ़िया, मेरी बात पूरी नहीं बन रही। हाँ आप अपनी बात कहो। ऐसा ही, जब सिलेंडर आ रहा 450 का, जब तो दे दी फ्री, और अब आ रहा 950 का सिलेंडर। महंगा हो गया सिलेंडर, महंगा हो, कहाँ से लाओ गरीब आदमी बताओ। इसलिए सब्सिडी कहाँ आ रही है? एक आध के बोलो, इधर आके जो बोलना है माइक पे बोलिए, इधर आइए। एक आध रुपया आ रहा है, क्या आप बोल रहे हैं कि महंगा हो रखा है? महंगा हो रहा जी। अच्छा काम क्या किया? आप बोले थे मोदी जी ने अच्छा काम किया है जी, बस वही है, और क्या है बस। अब क्या बताऊँ मैं, सबसे हाँ क्या कह रहे थे? विद्या काम के झाके तो है नहीं, सब्सिडी नहीं आ रही, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है ना, कोई यहाँ यूनिवर्सिटी है बढ़िया पढ़ने वाली। गरीब आदमी दोबारा चूल्हा चलाने को मजबूर हो गया, सिलेंडर के रेट देख लो आप, बताओ आदमी चूल्हा सिलेंडर मजदूरी नहीं बची। क्या नाम है आपका? फिरोज साहब। हाँ। जी बस हमारे ये मुझे सिलेंडर देख लो आप, दोबारा लोग वही धोया मर रहे हैं, चूल्हे चालू स्टार्ट करवाते दोबारा गरीब आदमियों के, प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण हो रहा है। इससे बताओ सिलेंडर पर रोज 2500 का दी, 30 बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो फिर कौन सा नेता ठीक लगता है आपको, किसको वोट देंगे जी? जो काम करवाएगा हम तो। कौन काम करवाता दिखता है? हमारे देश अखिलेश बढ़िया है। अखिलेश क्या बढ़िया अखिलेश में? उसका एक काम दिखता है, जो काम करा भी उन्होंने, जैसे जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल अस्पतालों में सुविधा अच्छी थी इस टाइम पर, रोड वगैरह अच्छे थे, क्योंकि लखनऊ में देख लो आप मेट्रो की सुविधा इतनी अच्छी है, हर चीज़ बढ़िया उसके टाइम में। गरीब आदमी ई रिक्शा दे दिए, साइकिल दे दी, गरीब और महिलाओं की विधवा पेंशन, हर चीज़ बढ़ जाती इस टाइम में। और जी लैपटॉप दिए थे, मतलब लड़कियां 10वीं इंटर करती थी तो उनके खाते में 30-40 रुपए आते थे, अच्छे अच्छे चलता था उस टाइम पर। वो इस सरकार खाते में नहीं आते हैं? सरकार में खाते हैं, यहाँ के विधायक कमल मलिक हमने आज तक ने देखे, बनने के बाद भी। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम उज्जवल सिंह है सर। उज्जवल जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब फिरोज साहब कि सपा का शासनकाल अच्छा था, भाजपा खराब है, आपका क्या सोचना है? ये सपा का शासनकाल वास्तव में अच्छा था। क्या अच्छा था? अच्छा था ये कि गरीब आदमी की सुनवाई थी थाने में भी, और हर जगह जो है मतलब बिना रिश्वत के काम हो जाते थे। हाँ, लेकिन अब जो है हर जगह जो है भ्रष्टाचार पूरी तरह से जो है, ऐसा कोई सा भी विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। अच्छा जी। हाँ, गरीब जनता बहुत परेशान है। क्या करना चाहिए सरकारों को गरीब जनता? ये है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना चाहिए। क्या काम करते हैं आप चाचा? मैं भाई साहब पहले सेवा में था, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के, 21 वर्ष पहले मुझे सेवा से अलग कर दिया था, मात्र 96 रुपये की शॉर्टेज पर, और जो है विभाग 96 रुपये की शॉर्टेज। हाँ जी, और जो है मतलब जो है इसके साथ क्या विभागीय गबन का आरोप लगा था? हाँ, विभागीय गबन का आरोप लगा था जी, 96 रुपये का, और जो इसके साथ में जो ये भी लगा। कोर्ट में नहीं गए आप? कोर्ट में गया जी, लेकिन हुआ कोर्ट में? 21 वर्ष हो गए सर, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला जी। 21 साल से मुकदमा जी। हाँ, और दिखाई भी नहीं देता, तारीख तारीख में जो है जीवन बीत जाता। हाँ, गरीब गरीब कहाँ चल रहा है मुकदमा? मेरठ है जी। हाँ, मेरठ औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचम मेरठ जागृति विहार। तो आप जब 21 साल से मुकदमा चल रहा है, तो फिर बर्खास्त कितने साल पहले हुए थे, कितने साल की सर्विस के बाद? श्रीमान जी मेरी सर्विस जो है 4 की थी उस समय, जिस समय मैं बर्खास्त हुआ था, लेकिन ऐसा है कि मुझे जो है 21 वर्ष जो है बर्खास्त हुए, 6 फरवरी 2001 को ही बर्खास्त किया गया था जी मुझे, और मात्र 96 रुपये की शॉर्टेज पर। और इसके साथ में एक और भी आरोप लगा दिया था मुझ पर, 5 क्लर्कों के साथ अभद्रता का। ये 5 क्लर्क तो ये एक जो है एक व्यक्ति को पीट सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को नहीं पीट सकता। तो ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? ऐसा है कि विभागीय पूर्वाग्रह के कारण किया गया। क्यों था पूर्वाग्रह? ये है कि ये तो जो है विभागीय अधिकारी जाने की आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये पूर्वाग्रह? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं तो सिर्फ। अन्याय की वजह क्या रही आपके हिसाब से? विभाग मेरे हिसाब से अन्याय की वजह ये रही श्रीमान जी, जो विभागीय सेवा नियम है वो मुझ पर लागू नहीं किया गया। ये आरोप भी ये है कि क्या जो यदि यदि जो है मतलब कर्मचारी से कोई विभागीय धनहानि हो जाती है, तो उसको जो है विभागीय उसके धनहानि की भरपाई
धनहानि की भरपाई उसके वेतन से जो अन्य जमा धनराशि है उससे कर ली जाती है, लेकिन मेरे विषय में ये कोई लागू ही नहीं किया गया। कोई नेता ठीक लगता है आपको? नेता जी सब भ्रष्ट है। अभी आप कह रहे थोड़ी देर पहले कि अखिलेश यादव अच्छे हैं, आप कह रहे सब भ्रष्ट हैं। अब जो है अब आप पूछ रहे हैं ना, अब आप बताइए। हाँ जी सब भ्रष्ट हैं। ऐसा है कि आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आपका जायज काम भी है, जब तक आप जो है मतलब सुविधा शुल्क नहीं देंगे आप करवा नहीं सकते। हाँ। ये प्रत्यक्ष है, ये हमेशा से चल रहा है कि अभी हो गया? ये तो पहले भी था, लेकिन पहले सपा में कुछ कम हुआ था, नियंत्रण हुआ था। अच्छा। भ्रष्टाचार तब भी था। और बसपा के शासनकाल में? बसपा का शासनकाल और बेकार रहा। और बेकार? हाँ, मतलब किसी में कम भ्रष्टाचार, किसी में ज्यादा भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं मिल सकती यूपी को? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार तो मिल ही नहीं सकती सर। आप तो खुद सरकारी सिस्टम में रहे, लोग सरकारी कर्मचारियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बिना पैसे के काम नहीं करते। इसीलिए जब सरकारी कर्मचारी जनता के जो जायज काम नहीं करता बिना सुविधा शुल्क के, यदि सरकारी कर्मचारी ऐसी स्थिति में हड़ताल करता तभी तो जनता का सहयोग नहीं मिल पाता। यदि कर्मचारी जो है जनता के काम जायज जो है बिना सुविधा शुल्क लिए करता और तो जनता का सहयोग भी मिलता उन्हें। इसलिए श्रम कानूनों में सरकार बदलाव कर रही है, जनता उनके साथ नहीं है सरकारी कर्मचारियों के। इसीलिए श्रम कानून में बदलाव होता है तो जनता को फर्क नहीं पड़ता है जी? नहीं। चलिए बात मोड़े से शुरू। अच्छा ये नेता हैं, क्या नाम है चाचा आपका? कोई नेता नहीं है। ये तो हमें देखिए, हम तो जानते नहीं, हम तो नए आपके कस्बे में। उन्होंने कहा ये बैठे हैं नेता, ऐसे कह देते हैं। क्या नाम है आपका? भरत सिंह गौतम। भरत सिंह जी आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं फिलहाल रिपब्लिक पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। रिपब्लिक पार्टी, ये जो रामदास अठावले वाली है? जी जी। रिपब्लिक पार्टी का उत्तर प्रदेश में तो कोई अस्तित्व ज्यादा नजर आता नहीं, क्या वजह है इसकी? अभी इसका प्रचार प्रसार यहाँ है नहीं, ये महाराष्ट्र में है, वहाँ से चार चार पांच पांच सांसद आए निकल करके। रामदास अठावले भी ये मंत्री हैं कैबिनेट में, वहाँ केंद्र के अंदर दिल्ली में। अच्छा, यहाँ पे आपकी पार्टी किसके साथ है यूपी में? ये तो प्रकाश राव जी के साथ है। ये प्रकाश राव अम्बेडकर वाली पार्टी है, दो फैक्शन हो गए हैं। तो यहाँ पे तो लेकिन उनकी पार्टी चुनाव लड़ती नहीं, किसको सपोर्ट करती है यूपी में? कुछ सीटों पे लड़ती है, ज्यादातर नहीं। और बाकी सीटों पे किसको सपोर्ट करती है? बाकी सीटों पे ये अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो पार्टी के विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। कौन से समुदाय किस पार्टी के साथ है चाचा, बताइए जरा। देखिए बसपा के साथ में यहाँ दलित समाज अधिकतर जुड़ा हुआ है। हाँ। दूसरे नंबर पर मुसलमान जो बैंक वोट है वो है इसके बसपा के साथ। बसपा के साथ है जी। हाँ, अगर दूसरे स्थान पर है तो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट बसपा के साथ है, और भी पार्टियों के साथ है? हाँ मुस्लिम नहीं, वो कुछ कुछ छोटा थोड़ा बहुत तो कांग्रेस के साथ होगा, लेकिन अधिकतर जो है वो सपा के साथ है और फिर बसपा के साथ है मुस्लिम वोट। और बाकी समुदाय? बाकी समुदाय और बीजेपी के हैं जितने भी हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं, दलित समाज के भी जो आते हैं लोग वो भी हैं उनके साथ में जुड़े हुए बीजेपी के साथ, जो अपने अधिकार को नहीं समझता। हमारा अधिकार सुरक्षित कहाँ है, कौन सा दल हमारे अधिकार के लिए लड़ता है या भले की कहता है, वो भी लोग हैं, उनको जो मालूम नहीं है इस चीज़ का। वो आरक्षण की लाइन में तो लगे नज़र आते हैं लेकिन अपने अधिकार नहीं समझते, किस दल के अंदर किस सरकार में, किस दल की सरकार के अंदर जो है हमारा अधिकार सुरक्षित है और वहाँ वो हमारी भलाई की बात करते हैं। किस दल में सुरक्षित है जी? किस दल में अधिकार सुरक्षित हैं? किसके? आप जो बता रहे हैं हमारे। हमने कह रहे हैं कि जो हिंदुओं में भी जो जनजातियों के लोग हैं जो पिछड़े हैं वो अपने अधिकार को ये नहीं समझ पाते हैं, कौन से दल की पार्टी है उसमें हमारे अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं है। इसकी वजह क्या है? वो दलितों के साथ में आरक्षण के लिए तो दलितों की लाइन में लगे नजर आते हैं लेकिन सपोर्ट जो करते हैं वो बीजेपी को ही करते हैं, जबकि बीजेपी बिल्कुल युद्ध स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रही है इस टाइम पर। किसी का काम भी कोई बिना पैसे के नहीं होता है, अगर जरा सा किसी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में भी कोई कार्य होता है तो उसमें 500-400 रुपये नीचे में दलाल लेते हैं और दलालों को बिना आधिकारिक काम नहीं करते। तो कौन सी पार्टी ऐसी थी जिसमें ये भ्रष्टाचार नहीं था, कोई ऐसी भी पार्टी? दो बार सरकार बहन जी की रही है मायावती जी की, उसमें भ्रष्टाचार नहीं रहा जी। हाँ जैसे आपने कहा कि बहन जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं रहा, लेकिन अब तो बहन जी की पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और उन पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। बेईमानों की सरकार आ रही है, चुनाव आयोग भी बोना होगा, सुप्रीम कोर्ट भी बोना होगा, सीबीआई भी बोना होगा, सारे चैनल बिके हुए हैं मोदी के, अंबानी के यहाँ पे, तो वो तो बेईमानी सारी
कितने पोल खोले हैं, मतलब चैनल उनके जो है चुनाव चुनाव आयोग भी कुछ नहीं एक्शन ले रहा, वो भी अपनी कार्य प्रणाली को नहीं समझता बिल्कुल भी चुनाव आयोग भी। लेकिन आरोप तो बहन जी पे और भी लगते हैं, जैसे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। हाँ तो वो ओहो, और बहन जी क्या, बहन जी के साथ में सपा वालों के साथ में ना इन्होंने मतलब जो है ना जांच बैठाई, सपा वालों के खिलाफ भी बैठाई है, कांग्रेस वालों के खिलाफ बैठा रहे हैं, और जो है बहन जी के साथ उनको तो मालूम है कि थोड़ा सा भाई दलित जो बैंक वोट है वो बहन जी के साथ है ज़्यादातर, उनको मालूम है, और इनको छेड़ा तो जरा से एक्ट के मामले में तो 22-23 प्रदेशों में जो है हिंदुस्तान के अंदर दलित समाज जो है एक्ट के पीछे सड़क पर आ गया, और आरक्षण को छेड़ा गया तो सारे शायद पूरा हिंदुस्तान ही मतलब सड़क पर आ जाए, और मोदी जी आरक्षण को छेड़ने की, आरक्षण को छेड़ने की बात तो कोई आई नहीं है सर। लेकिन एक्ट को आरक्षण से जोड़ दिया था ना लोगों ने, इसलिए 22-23 प्रदेशों में सड़क पर दलित समाज आया था। लेकिन फिर जब चुनाव के मालूम है इस बात को मोदी को, अगर बहन जी को छेड़ा तो सारा पूरा भारत ही ना मतलब पूरा प्रदेश तो सड़क पर आ जाएगा। अच्छा, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ इसलिए। अच्छा, ये 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठजोड़ किया था, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? फिर से कहना। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठजोड़ किया था, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं उसके बारे में मैं तो उस समय की ज्यादा उसको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। अरे अभी 2 साल पहले की बात है चाचा, 2019 के चुनाव। अच्छा, ये हाँ क्या रहा बताना फिर अब? क्या आप उस गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं जो हुआ था सपा बसपा गठबंधन? अगर बहन जी अगर अखिलेश गठबंधन ना करती तो सीटें ज्यादा आती और सीटें कम हो गई बहन जी की। अखिलेश कह रहे हैं कि उनके चक्कर में वो एक दूसरे पर ठीक रहा फोड़ेंगे ही। जो दोनों हार गए वो एक दूसरे वो उस पर ठीक रहा फोड़ रहा, उस पर ठीक रहा फोड़ रहा। अब मुलायम सिंह यादव जी भी कह रहे हैं कि अखिलेश को कि तुमने जो है अगर बहन जी से समर्थन मतलब गठबंधन अगर नहीं करते तो हमारी सीटें ज़्यादा आती होंगे, बहन जी कह रही हैं। अखिलेश जी मुलायम सिंह यादव जी उस समय कहाँ थे जिस समय गठबंधन हुआ था? उस समय अपने बेटे को तक नहीं मना सके वो, या तो एक उनमें आपस में भी बात था, मतभेद थे अखिलेश जी में और मुलायम सिंह जी में, क्योंकि पिताजी की बात ही नहीं मानी जबकि पार्टी के सुप्रीमो थे वो। गठबंधन नहीं करना चाहिए था जो उनको मालूम है हमारे से, अब बाद में क्यों कह रहे हैं इस चीज़ को? वो तो एक दूसरे पर ठीक रहा फोड़ने वाली बात है। कांग्रेस के बारे में क्या विचार हैं आपके? कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस में भी दलितों का कोई अधिकार नहीं रहा सुरक्षित। पहले था? हैं जी, पहले जब सरकार थी जब की बात कह रहा हूँ ना मैं। अब हमारी यूपी में तो सरकार है ना केंद्र में सरकार है, तो आपके बारे में क्या कहना है? कोई डिमांड है आपकी सरकार से? डिमांड तो ये है कि जो रामराज में जो अत्याचार दलितों पर होते थे, मोदी यही चाह रहे हैं कि उनको पता दो शक्ति है इस टाइम पे रामराज्य में दलितों पे अत्याचार होते। हाँ बोलिए बोलिए। अरे एक तो चाचा बोलो ना मेरी लैंग्वेज कुछ ऐसी है। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलो, आप आराम से बात करिए ना, मैं सामने बैठा हूँ तो आपकी सब बात सुन रहा हूँ, कोई बात काट भी नहीं रहा हूँ, पूरी बात सुन रहा हूँ ना। फिर आप इतना उत्तेजित होगी क्यों बात कर? उत्तेजने मेरे एक लैंग्वेज इस तरह के बोलने के चीज जोर से। हाँ अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी जोर बोलते हैं। हाँ जी अच्छा, आपने बोलते नहीं देखा ना आपने। बढ़ती चली जाती है इनकी लैंग्वेज, जोश में आ जाते हैं। हाँ बोलिए ऐसे हमारे नेता जी हमें जोश में। बुद्ध प्रकाश मौर्य, बीपी मौर्य यहाँ से सांसद रहे हैं। हाँ वो भी जोश में बोलते थे, उद्योग मंत्री थे, उन्होंने तुम्हारी कचहरी उन्होंने बनवाई है, तहसील उन्होंने बनाई हमारे पास हमारे गढ़ मोटेशन में, उन्हीं की एनएसआ मौर्य जी की है। उसके बाद में कोई एमपी आया नहीं ना कोई विधायक आया। हाँ क्या कह रहे थे आप? राम राज्य के बारे में बता रहे थे। मैं यूँ कह रहा हूँ कि राम राज में जैसे दलितों के साथ में अत्याचार होते थे। क्या अत्याचार होते थे? जैसे उनको मतलब एक धार्मिक क्षेत्र में भी उनके साथ अत्याचार हुआ करते थे। जैसे कुओं पर नहीं चढ़ना, मंदिरों में नहीं चढ़ना, और इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहब ने 1929 के अंदर एक आंदोलन किया था रामनवमी के दिन, उस समय पे गांव के जो गंदा नालियों का पानी था वहाँ चौबदार नाम का तालाब था एक, तो बाबा साहब ने उस पर आंदोलन किया था कि उसमें पशु तो पानी पी सकते थे लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस आंदोलन उसको प्रतिबंध को भी तोड़ा, जबकि उस पानी के पीने से खुश थोड़ा ही थे बाबा साहब, लेकिन उसका प्रतिबंध को तोड़ना था कि पशु तो पानी पी सकता और दलित पानी नहीं पी सकता। अब तो वही रामराज जो है जो दलितों साथ अत्याचार होते थे वही रामराज मोदी जी लाना चाहते हैं,
यहाँ तो सबसे ज़्यादा अत्याचार मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ हो रहा है। उन्हें मालूम है मोदी जी को कि 70% में मुसलमान भी है और यहाँ दलित भी है, इन्हीं को फेल करो, इनको निपंसक बना दो, इनको हर अधिक क्षेत्र सब बातें कह रहे हैं रखना है। आप गौतम जी ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने तो लगातार 2 जनादेश नरेंद्र मोदी को दिए, जनादेश दिए, ये तो सारे चैनल हैं, सारे बिके हुए चैनल हैं, उसके खरीदे हुए हैं, उसी के कहेंगे प्रचार भी किया, उन्होंने बेईमानी भी कराई, बक्से कितनी बार पकड़े गए चुनाव के, जो बक्से पकड़े गए लखनऊ में पकड़े गए और कई बार कई जगह पकड़े गए थे जो बेईमानी से, मतलब जो सवाल तो सुन लीजिए कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब लखनऊ में अखिलेश यादव की सरकार थी, सवाल ये चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या अपने कार्य प्रणाली को सही समझ रहा है? गौतम जी आवाज़ मेरी भी तेज है ना, मैं आपसे जब सवाल पूछ लूँ आप जवाब दीजिए, जब आप जवाब देते हैं मैं बीच में नहीं टोकता हूँ ना, अगर आप ऐसी चिल्लाते रहेंगे, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना बैठ के, कोई बात मैंने रोकी आपकी? सब बात सुनी ना आप, अगर आप चिल्लाने से तो कोई बात पूर्ण नहीं होती ना, मैं आप सवाल सुनोगे फिर पूछोगे मुझसे, ऐसा ना आप सवाल ही नहीं पूछने दे रहे, कान में नहीं कहा, आप कान में नहीं कहो आराम से कहो, लेकिन आप सवाल तो सुनोगे ना? बोलो, आप तो सवाल ही नहीं सुन रहे, आप तो चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं तो आपसे बात करने आया हूँ, चिल्लाना कहते हैं तो चिल्लाने को क्या कहोगे, अब तो चिल्ला भी नहीं रहा मैं, आप सवाल सुनोगे? बोलो, मैं पूछ लूँ सवाल आराम से, मुझसे तो कोई नाराजगी नहीं है ना, मैं तो आपकी बात सुनने आया हूँ ना, आप भाई हैं मेहमान है तो आप मेरी बात तो सुनिए, मैं तो आपकी बात पूरी सुन रहा हूँ ना, पर पूरी बात दिखाई जाएगी, मैं तो कोई कटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कई मैंने ऐसे विपक्षी दलों के नेताओं को ये कहते सुना है कि साहब ईवीएम में गड़बड़ है, जैसे आपने भी कहा, फिर कई लोग जो सरकार के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब तक दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, लखनऊ में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो दोनों सरकारों के रहते कैसे गड़बड़ हो गई, एक चीज़ ये पूछी जाती है। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो फिर बसपा के 10 सांसद कैसे जीत गए, बसपा के सांसद कैसे जीत गए? आपने कहा ना ईवीएम गड़बड़ है, देखिए जहां पार्टी के कार्यकर्ता सख्त रहे वहां बेईमानी नहीं होने दी, अच्छा। वहां से निकल गए, अभी हम हापुड़ का प्रमाण दे रहे हैं आपको, एक मिनट, याकूब कुरैशी जीत रहे थे कई हजार वोटों से, उनको जबरदस्ती हराया गया, बीजेपी के जीताया, फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए? धर्मपाल जी के लड़के हैं, चेयरमैन का चुनाव लड़ा, वहाँ जबरदस्ती डीएम पर फोन आया, उन्होंने उनको जबरदस्ती हराया, यहाँ पर भी सोना सिंह जी थे हमारे नगर पालिका के, यहाँ पर जनरल सीट जो निकाली है, यहाँ भी पूरी बेईमानी के लिए फोन आ रहा था डीएम साहब का, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के लोग एकजुट थे, वो बेईमानी नहीं होने दी, उन्होंने रिकाउंटिंग कराने की भी डिमांड की, लेकिन रिकाउंटिंग में भी उनके वोट बढ़ती गई और वो बेईमानी नहीं होने दी। चलिए चाचा का डेसिबल चढ़ा रहेगा, अच्छा है, इस उम्र में भी जोश है, अपनी बात को लेके कन्विक्शन है, ज्यादा नहीं है 63 साल, 63 साल, अरे नहीं नहीं, आप खूब शतायु हो, 100 बरस स्वस्थ जिए भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और ऐसे ही आपके तेवर बरकरार रहें। तो बात मोड़ा बनाने वालों की समस्याओं से शुरू हुई थी, फिर एक भाई ने यहाँ वित्त पोषण को लेकर बात कही जो दुरुस्त थी, टीके को लेकर कही जो गलत थी, उसके बाद एक भाई साहब आके गाली भी दे गए, वहाँ बीप लगा दीजिएगा भैया, है ना, गलत किया ना, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, आप मेहमान हैं, थोड़ा चिल्ला सकते हैं पर गाली तो ना दें, नहीं नहीं गाली हैं, आप लोगों से गलत नहीं बोलना चाहिए कहने को, चलिए अब क्या कर सकते हैं, हमारा काम ऐसा है कि ऐसी मानसिकता के लोगों ने इस तरीके की बात है, चलिए खैर अब मैं क्या बोलूँ भाई आपके यहाँ के हैं, तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी, इसके बारे में आपकी क्या राय है बताइए, हमारा कारवा चलता रहेगा, आज हापुड़ में है, कल एक दिन की छुट्टी लेंगे, फिर नोएडा में भ्रमण करेंगे, और फिर बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा का सफ़र चलता रहेगा, शुक्रिया।